Subscribe to my channel and press the bell icon so that you get notified whenever I am online. Hey guys, बहुत लोग कैमरा तो ले लेते हैं लेकिन फिर उसके बाद मायूस हो जाते हैं कि यार जो वो उनको पोर्ट्रेट शॉट्स लेने थे, जो वो उनको ब्लर इफेक्ट, बुके इफेक्ट जो करना था वो आ नहीं पाता है उनके फोटोग्राफी में। अगर आप किट लेंस ले रहे हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, आएगा लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस अगर हो, जो फोकल लेंथ जब बहुत ज़्यादा हो तब आएगा। लेकिन बहुत लोग मायूस हो जाते हैं कि यार वो एकदम ब्लर इफेक्ट और वो एकदम पोर्ट्रेट वाला इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा है। सो गाइस, आज मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। दिस इज कैनन 50mm प्राइम लेंस, जो कि आपके फोटोग्राफी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाला है, जो कि आपकी फोटोग्राफी को बहुत एनहांस कर देगा और आपको वो बुके जो आपको इफेक्ट चाहिए और पोर्ट्रेट शॉट्स चाहिए वो बिल्कुल आप ला पाएंगे। सो गाइस, दिस इज वारन एंड आई वेलकम यू ऑल इन द 98th एपिसोड ऑफ ट्यूजडे टॉक्स। सो गाइज, दिस इज़ द बॉक्स ऑफ कैनन 200D। इसमें यहाँ पे तो कैनन 50mm लिखा है, लेफ्ट साइड पे कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं। यहाँ पे प्राइस एंड बेसिक थिंग्स, 50mm F1.8 STM लेंथ, आपका अपर्चर वैल्यू 1.8 तक आप ड्रॉप कर सकते हो, विच इज़ वेरी गुड। EF लेंस है तो EF के माउंट के साथ ही बिल्कुल लग जाएगा। ऊपर कैन 50mm का ही दिया हुआ है। सो फटाफट अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कैसा लेंस है। सो सबसे ऊपर तो यहाँ पे वारंटी कार्ड है। सो हियर इज द लेंस। ओके, सो दिस इज द लेंस। बहुत ही छोटा सा है, बहुत प्यारा सा है, बहुत ही क्वालिटी बहुत अच्छी होती है कैनन के लेंसेज की, ये बात मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि जिस हिसाब से ये क्वालिटी देते हैं और बिल्कुल मैट ब्लैक कलर पे लेंस है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और कुछ है नहीं बॉक्स में, 50mm लिखा है यहाँ पे कैनन, एंड दिस इज़ ऑटो फोकस एंड मैनुअल फोकस का फीचर यहाँ पे। यस, यहाँ पर लिखा है कैनन EF लेंस विच इज़ 50mm प्राइम लेंस 1.8। आई होप आपने अनबॉक्सिंग में बहुत सारी डिटेल्स बिल्कुल देख ही ली होंगी। अब मैं बात करने वाला हूँ इस लेंस के बारे में। ये लेंस आपको अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग प्राइस पॉइंट पे मिलेगा। 100, 200, 300 रुपये, 500 रुपये का फ़र्क पड़ सकता है स्टेट टू स्टेट। तो आप बिल्कुल नीचे जो मैंने लिंक दी है वहाँ से आप ये परचेज कर सकते हैं अगर आपको करना है। और मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा कि ये आपको लेंस क्यों लेना चाहिए और ये क्या काम आएगा आपके। आपने कैमरा ले लिया है, अगर आपका कैनन का कैमरा है तो ये लेंस बहुत ही बढ़िया है उसके लिए, बहुत ही बजट रेंज में लेंस आ जाता है। एंड ये 50mm प्राइम लेंस है, सो उसके लिए अगर आपको F1.8 पे अपर्चर पे अगर आपको शूट करना हो, लो लाइट फोटोग्राफी करनी हो, तो इससे बहुत ही अच्छी लो लाइट फोटोग्राफी आती है। और अगर आपको बुके इफेक्ट चाहिए, ब्लर इफेक्ट चाहिए बैकग्राउंड में, तो इससे बहुत अच्छे से आप शूट कर सकते हैं। प्राइम लेंसेज में जूम फीचर नहीं होता है, ये जूम लेंसेज नहीं होते हैं, तो इनकी जो फोकल लेंथ है वो 50mm फिक्स्ड होती है। 50mm की आपको फोकल लेंथ मिलेगी और आप F1.8 पे शूट कर सकते हैं इस प्राइम लेंस के साथ में। दैट्स द अपर्चर वैल्यू यू गेट, जिससे आपको बुके इफेक्ट बहुत अच्छा मिल जाएगा। मैंने कुछ इमेजेस के शॉट्स लिए हैं तो आप यहाँ कंपेयर करके देख सकते हैं। एक अपर्चर वैल्यू कम में है, सारी डिटेल्स के साथ मैंने लिखा है। एंड जो राइट साइड का इमेज है, दैट्स F1.8 विद दिस प्राइम लेंस। आपकी क्वालिटी एकदम से एनहांस होता है हो जाती है अगर आप इससे शूट करते हैं तो। आपके जो शॉट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखने लग जाते हैं, आपको बुके इफेक्ट बहुत ही अच्छा मिलने वाला है और ब्लर इफेक्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। कलर कॉन्ट्रास्ट इसका बहुत अच्छा है, तो ये लेंस आप बिल्कुल ले सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से ये लेंस आपको पड़ेगा, आपके फोटोग्राफी को बहुत एनहांस कर देगा। और रही बात, अगर आपको कहीं ऐसी जगह शूट करना है जहाँ पे आपकी फोकल लेंथ बिल्कुल फिक्स्ड है, जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे पोर्ट्रेट चाहिए, जैसे अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं, आप नेचर फोटोग्राफी करते हैं, या फिर आप कहीं पे पोर्ट्रेट शूट करते हैं, आप मॉडल शूट करते हैं, आप पोर्ट्रेट शूट करते हैं, तो F1.8 इज़ अ वेरी गुड लेंस फॉर यू गाइज़।
बहुत सारे फोटोग्राफर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो एफ 1.8 लेंस लें या फिर एफ 1.4 लेंस लें, विच इज़ 1.4 एक स्टेप और नीचे है अगर वो लें। उसमें आपको ब्लर इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा लेकिन उसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है, और अगर आप एफ 1.8 लेते हैं तो दैट इज़ अ वेरी बजट लेंस जो कि एक आपको बिल्कुल रखना चाहिए। अगर आपके पास किट लेंस है, 18-55mm का लेंस है आपके पास, तो आपको एक प्राइम लेंस तो बिल्कुल रखना ही चाहिए। इसमें आप जूम नहीं कर पाएंगे लेकिन फॉर अ फोटोग्राफर योर लेग्स आर द बेस्ट जूमिंग मेथड। यू जस्ट वॉक, यू जस्ट गो क्लोज, यू जस्ट गो फार, बट क्लिक विद अ प्राइम लेंस बिकॉज आपकी क्वालिटी बहुत एनहांस हो जाएगी। दिस इज एफ 1.8 एसटीएम लेंस, तो आपको ज़्यादा नॉइज भी नहीं मिलेगी एंड जो फोकस है वो बहुत फास्ट होगा, बहुत अच्छा होगा। और अगर कैनन में ड्यूल पिक्सल फोकस टेक्नोलॉजी वाला कैमरा आपका है, जैसे कैनन 200D, 800D, 80D ऐसे आपके कैमराज हैं, तो उसमें तो आप बहुत अच्छे से शूट कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। लेकिन ड्यूल पिक्सल ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप ये लेंस यूज़ करते हैं सो आपका जो फोकस है वो बहुत ही जल्दी होगा, अच्छा होगा, ज़्यादा आवाज़ भी नहीं करेगा क्योंकि यूएसएम मोटर जो रहती है वो आवाज़ करती है लेकिन एसटीएम मोटर आवाज़ नहीं करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में फ्लावर्स की फोटोग्राफी जब करी है, तो मैंने वीडियो भी शूट करा है, तो उसमें कैसा लग रहा है अपर्चर जब चेंज हो रहा है। सो गाइज, अगर आप सोच रहे हैं इस बजट में कोई लेंस लेना, सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू, अगर आपको पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करनी है या फिर आपको वेडिंग फोटोग्राफी करनी है, तो ये लेंस आप बिल्कुल अच्छे से रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा आपको आउटपुट देगा। आप बिल्कुल नीचे लिंक्स दिए मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आगे परचेस कीजिए, दोज आर द ऑथेंटिक लिंक्स, वहाँ से आप ले सकते हैं। इस लेंस का कंपैरिजन वीडियो भी आने वाला है किट लेंस के साथ, विच इज 18-55mm, सो आप वो भी देखिएगा एंड आप देखिएगा कि आपको कितना फर्क देखने को मिल जाता है। सो गाइज, आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेन आई एम ऑनलाइन। दिस इज वरुण लिलानी साइनिंग ऑफ।